गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 31 जुलाई हो गई है और रात के बज रहे हैं 2। किसी ने हमसे पूछा कि आखिर शेयर एकेडमी इतनी तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस चैनल क्यों है, और हमने कहा उसकी वजह यह है कि आप इस मेहनत को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, और इस चैनल की क्वालिटीज़ को देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चैनल इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार दिन था आज। निफ्टी 103 पॉइंट डाउन होकर बंद हो रहा है और करंटली मार्केट ऐसी है जिसके अंदर ट्रेडर्स हर दिन अपने हाथ जला रहे हैं, और ये वो सबसे सही समय है जब हम मार्केट के अंदर अवेलेबल सभी निवेश गुरुओं से सबसे बेहतरीन सलाह ले सकते हैं। ज़्यादातर निवेश गुरुओं की जो सलाहें होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, इसीलिए आज जो हम लेकर आए हैं वो अपने आप में एक बेहतरीन शख्सियत होने के साथ साथ पूरी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जितनी क्लियर राय मार्केट के अंदर आपकी रहती है उतनी क्लियर राय आज तक हमें किसी की भी नहीं मिली। जर्नी है विजय केड़िया जी की, मार्केट गुरु होने के साथ साथ एक लौते मार्केट के निवेशक हैं जो कि बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत ही बढ़िया मेंटोर हैं, और शुरुआती जर्नी हृदय विदारक रही है। अगर आप इनकी टेडेक्स पर जाकर विजय केड़िया जी की अपनी पुरानी जर्नी के बारे में सुनेंगे। सो मुंबई में जब इन्होंने कोलकाता से, ये रेगुलर मुंबई आते रहते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए, एक समय ऐसा था जब विजय केड़िया जी के पास में 14 रुपये नहीं हुआ करते थे। फिर समहाउ मेहनत की, कोशिश की, सीखते रहे, और करंटली ये हालत है जब विजय केड़िया जी की अपनी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपीज़ के आसपास में है, जिनमें सबसे बेहतरीन वॉरेन बफे के पास कोका कोला था, राकेश झुंझुनवाला जी के पास में टाइटन था, और विजय केड़िया जी के पास में अतुल था। ये वो शेयर्स थे जिनका नाम विजय केड़िया जी ने महान कर दिया, और ऐसी जर्नी जिसे देखकर न केवल हमें मज़ा आया बल्कि आपको भी मज़ा आने वाला है। मार्केट की इस टर्मोइल के अंदर इससे बढ़िया कोई भी स्टोरी नहीं हो सकती जिसे हम आपके साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए एक बेहतरीन जर्नी के लिए जो न केवल आपको नॉलेज देगी बट इसके साथ साथ आपको गूस बम्प्स भी देगी, और कुछ ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो आपकी आंखें खोल देगी इस फाइनेंशियल मार्केट में बिजनेस चैनल्स के रोल पर। सो शुरू करते हैं आज की ये स्टडीज, विजय केड़िया जी की लर्निंग्स और टीचिंग्स जो हमारे लिए काम आ सकती हैं आगे आने वाले मार्केट के टर्मोइल में। सबसे पहली चीज़, मैनेजमेंट मस्ट बी स्ट्रांग। इकलौती ऐसी चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं विजय केड़िया जी। इनका कहना है कि बेसिकली अगर आप एक जहाज में बैठ गए लंदन जाने वाले, तो उसके बाद आप आधे रास्ते में उतर नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि जहाज में बैठने से पहले आपको अच्छी एयरलाइंस देखनी चाहिए, जहाज़ के पायलट के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए कि वो अच्छा है या नहीं, उसके अंदर कोई बुरी हैबिट्स तो नहीं है, और इस वजह से जहाज में बैठने के बाद राय मत लीजिए, जहाज में बैठने से पहले राय बनाइए। कहने का मतलब था कि एक अच्छी कंपनी एक अच्छे जहाज की तरह है, बट जहाज के पायलट की तरह है कंपनी का मैनेजमेंट। इसलिए विजय केड़िया जी ने कहा कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले मैं जो सबसे पहली चीज पर ध्यान रखता हूं वो है कंपनी का मैनेजमेंट, कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है, और मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरह से काम करता है। एक बार आपने अच्छी कंपनी और अच्छा मैनेजमेंट चुना, बेहतरीन मैनेजमेंट अगर है तो उसके अंदर किसी भी कंपनी को टर्न अराउंड करने की संभावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए जब एक चॉइस दी गई विजय केड़िया जी को कि एक अच्छी कंपनी खराब मैनेजमेंट के साथ या एक खराब कंपनी अच्छे मैनेजमेंट के साथ आप निवेश करेंगे, तो विजय केड़िया जी ने कहा मैं एक खराब कंपनी अच्छे मैनेजमेंट के साथ निवेश करना प्रेफर करूंगा। क्यों? अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो कंपनी को टर्न अराउंड कर सकता है। जरा ये बताइए फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी शेयर को बाय करने से पहले उसके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बहुत भी रिसर्च करते हैं? आज से पहले आपने जितने भी शेयर्स बाय किए, क्या किसी भी शेयर, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट को जानने की कोशिश की? अगर नहीं, तो किस आधार पर आप ये सोचते हैं कि एक दिन मार्केट के अंदर आपके पास उतनी ही वेल्थ होगी जितनी विजय केड़िया जी के पास होगी, अगर आप उनकी सबसे पहली जो टीचिंग है
वो ये है कि कंपनी के मैनेजमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर आप इसे ही फॉलो नहीं करते, मरना हर कोई चाहता है, स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, बट मरना कोई नहीं चाहता। हर किसी को मार्केट के अंदर पैसा बनाना है, वो भी बड़ा पैसा, इतना पैसा कि जिसको गिनने के लिए भी समय लग जाए, बट किसी को वो काम नहीं करने जो उन मार्केट गुरुओं ने किए जिन्होंने वाकई उतना पैसा बनाया। सीरीज की खूबी यही है फ्रेंड्स, और बहुत मजा आ रहा है सीरीज को करने में। सेकंड है नॉलेज, करेज और पेशेंस, और इस पर जुड़ा हुआ हमें आपको ऐसी क्लिप दिखाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा उसे देखकर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विजय केडिया जी ने कहा कि इन्हें कभी भी स्टडीज पसंद नहीं थी, इसलिए ये आपके लिए एक आइडियल एग्जांपल हो सकते हैं, आप उन सभी लोगों के लिए जो लोग मार्केट के अंदर बिना किसी एक प्रोफेशनल डिग्री के आए हुए हैं और जिनका ये सपना है कि मार्केट से वो अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकें। विजय केडिया जी के साथ में भी सेम यही हुआ, उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, उनके पास किसी तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उन्होंने मार्केट में जो कुछ भी सीखा वो मार्केट में रहते हुए सीखा, इसी मार्केट में रहते हुए सीखा। इसलिए उनका कहना था कि नॉलेज सबसे पहले सबसे ज़रूरी है, नॉलेज आपको बाकी की भीड़ से अलग करता है, वो आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में मदद करता है। आप जान सकते हैं कि कचरा कंपनी, जिसे वो कहते हैं कि भंगार कंपनीज, वो कहते हैं कि ये भंगार कंपनीज हैं, ठीक है, सो कचरा कंपनी से अच्छी कंपनियों को अलग करने में मदद करता है, और फिर आप उन अच्छी कंपनियों में से जो बेस्ट कंपनी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने नॉलेज के बेसिस पर कर सकते हैं। सेकेंड है करेज, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। कहते हैं विजय केडिया जी कि करेज आप में होना बहुत ज़रूरी है, वजह क्या है, नॉलेज, नॉलेज की बेसिस पर आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी बुरी। करेज की बेसिस पर आप ये तय करते हैं कि इस कंपनी को खरीदना है, क्योंकि विजय केडिया जी का कहना है कि हम लोग कंपनीज को तब बाय करते हैं जिस समय और कोई बाय नहीं कर रहा होता, लोग भाग रहे होते हैं उन कंपनियों में, तब हम उन कंपनियों में बाय करते हैं, और इसके लिए आप में साहस होने की ज़रूरत है। साथ ही आप में साहस होने की ज़रूरत है जब कंपनीज के अंदर गिरावट आती है, 10-20% 30% की गिरावट आ जाती है, तब आप में करेज चाहिए उस कंपनी को होल्ड करने के लिए। ज़रा फ्रेंड्स याद करिए कि ये बात किसी और ने भी कही है, यू हैव टू हैव द नॉलेज टू एनालाइज द कंपनी, द करेज टू बाय द कंपनी एंड द पेशेंस टू होल्ड द कंपनी। किसने कहा है ये? ये कहा था वॉरेन बफे ने। सेम वही सीख विजय केडिया जी दे रहे हैं, सेम यही सीख नीलेश जी देते हैं, राकेश झुंझुनवाला जी देते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अलग कह रहा हो, ये सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं। अगर ये सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं तो आखिर हम कौन हैं जो ये बातें सुन नहीं रहे? क्यों हम हर दिन ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे पड़े रहते हैं? क्यों हम हर दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के पीछे पड़े रहते हैं? तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सो करेज बहुत ज़रूरी है आपके अंदर जब आप किसी भी शेयर को बाय कर रहे हों, और करेज ज़रूरी है कि जब आपका शेयर या आपका पोर्टफोलियो 20-30% गिरता है गिरावट में, तो भी आप उन स्ट्रांग शेयर्स को होल्ड करके रखें। और तीसरा है पेशेंस, बहुत ज़रूरी है मार्केट में लंबे समय तक बने रहने के लिए। सो पेशेंस के बारे में विजय केडिया जी क्या कहते हैं, ये हम अपने मुंह से नहीं बताते, ये हम आपको खुद ही सुनवा देते हैं, और ध्यान से सुनिए कि विजय केडिया जी ने पेशेंस के बारे में क्या कहा है। Tend to get disheartened if it doesn't move for a year. Do you believe that what by courage you also mean that at times you got to ride a long lull? So interviewer पूछ रहे हैं कि अगर कोई शेयर एक साल तक नहीं चलता तो इसका मतलब है कि ये भी एक तरीके का आपका करेज है कि शेयर अगर एक साल तक नहीं चल रहा है तो भी आप उसे होल्ड करके रखे हुए हैं अपने पास, इसके लिए भी एक करेज की जरूरत है in portfolios? Of course, you have to take everything in your stride. If you ask me, forget about 1 month. I usually माफ कीजिएगा, जो इंटरव्यूअर है उसने कहा कि अगर कोई शेयर एक महीने तक नहीं चलता है तो आप उसे होल्ड करके रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, इसके लिए भी एक करेज की जरूरत है। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं विजय केडिया जी, वो कहते हैं कि फॉरगेट अबाउट 1 month, यानी एक महीना तो भूल ही जाओ। दोबारा सुनिएगा, फॉरगेट अबाउट 1 month. आई यूजली बाई ए स्टॉक विच आई नो दैट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म मे बी फॉर नेक्स्ट 6 months. बिकॉज इंटरव्यूअर थोड़ा सा चौंकता है, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। विजय केडिया जी कहते हैं कि एक महीना तो भूल जाओ, अगर कोई शेयर 6 महीने तक भी नहीं चलता तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। और इस बात पर इंटरव्यूअर को देखिएगा, ये थोड़ा सा चौंकता है, तब एश्योर करवाते हैं विजय केडिया जी और कहते हैं कि यस। अब ध्यान से देखिएगा इसे दोबारा, नेक्स्ट 6 months, बिकॉज दैट इज द टाइम एक्चुअली आई एम टेकिंग टू अक्युमुलेट स्टॉक फ्रॉम द मार्केट एंड मे बी द कंपनी हैज अ टर्न अराउंड बट इट विल टेक एटलीस्ट 6 months और मे बी 9 months और सम टाइम मे बी 1 year टू रिफ्लेक्ट इनटू द नंबर्स। इनका कहना है कि कंपनी को अगर 3 महीने 6 महीने या 9 महीने 1 साल भी लग रहा है तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो समय है जब मैं धीरे धीरे मार्केट से शेयर्स उसके एक्वायर करता रहता हूँ, और 1 साल भी लग जाता है अगर कंपनी को परफॉर्म करने के लिए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बट पीपल वॉन्ट रिजल्ट इन वन मंथ और टू मंथ और 6 months, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड वन ऑन। उनका कहना है कि लोगों को 1 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए, 1 महीने के अंदर उनको रिटर्न चाहिए, जो कि सही अप्रोच नहीं है मार्केट में।
only one mantra in stock market is to make money in market is to sit for long term only. You cannot make money until unless you have patience to hold for your stock for 10 years or 15 years or 20 years. कहते हैं कि आप मार्केट के अंदर बड़ा पैसा नहीं बना सकते अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है 10 साल 15 साल 20 साल तक रखने का शेयर को अपने पोर्टफोलियो में. You certainly cannot make money in stock market. This is what I have experienced. Sure. Yeah. Okay. So this is what I have experienced. ये तजुर्बे से आया हुआ है. ये शेयर कर रहे हैं आपके साथ में फ्रेंड्स. ऐसा नहीं है कि जो ये स्टडीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये किसी एक फाइन दिन हम बैठे और हमने कहा कि लाओ चलो ये सारी स्टडीज निकाल कर और दे देते हैं. बेसिकली इन स्टडीज के पीछे अच्छी खासी रिसर्च है. 10-15 दिनों का वक्त लगा है. 100 घंटे के वीडियोस हैं, बुक्स हैं उनकी और उनके एक्सपीरियंसेस हैं. ओके सो ये है पेशेंस जो आपने खुद ही सुना विजय केडिया जी के मुंह से. इसमें हमें कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं. ओके देन कम्स ग्रोथ और हाउ फास्ट. नाउ ये चीज है जिसे कहते हैं राकेश जी कि लॉन्जिविटी. और लॉन्जिविटी का शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया है मार्केट के अंदर मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी ने भी कि कंपनी में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है. जो भी आप कंपनी बाय कर रहे हैं उस कंपनी के साथ में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है. अगर किसी भी कंपनी को आप बिना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखे हुए उसके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत लंबे समय तक पैसा जनरेट नहीं करेगा. क्यों? इसी के लिए राकेश जी का कहना है कि एक कंपनी एक साल में अगर 100 करोड़ प्रॉफिट दे रही है, अगले साल 120 दे, अगले साल 130 दे, उसके साथ 140 दे, इस तरह की कंपनीज हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखनी चाहिए जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर धीरे धीरे ग्रोथ देती रहती हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर बनाने में काम करेगा. वरना होता यह है कि कंपनीज ग्रोथ अगर नहीं है कंपनी के अंदर तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टैटिक हो जाती है और स्टैटिक प्रॉफिटेबिलिटी होने के बाद में आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जंप देखने के लिए नहीं मिलता. वैल्यू इरोजन होना शुरू हो जाता है. इसलिए ध्यान रखिए कि कंपनी के अंदर ग्रोथ अवेलेबल होनी चाहिए और उसके साथ साथ ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है यह भी जरूरी है. ओके देन कम्स व्हाट होमवर्क हैव यू डन. बहुत ही इंपॉर्टेंट था. इंटरव्यू के दौरान ही विजय जी ने कहा कि अगर आप किसी कंपनी को बाय करने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से यह पूछना कि इस कंपनी के बारे में आप कितना जानते हैं. आपने इस कंपनी को बाय करने से पहले इसे कितना स्टडी किया है, इसके बारे में आपके पास क्या क्या जानकारी है. और सेम वही चीज जो वॉरेन बफे ने कही कि अगर आप किसी कंपनी को 10 साल तक के लिए अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते तो उसे 10 दिन के लिए भी बाय मत कीजिए. और इसलिए एक ऐसे शख्स ने जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी उसके बावजूद मार्केट में अपना नॉलेज एक्वायर किया, गेन किया, बढ़ाया उसे और फिर उसके बाद किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले उसे थॉरोली एनालाइज करते हैं, उसे इनसाइड आउट पढ़ते हैं, जानते हैं कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है और इस बिजनेस मॉडल को समझने के बाद कंपनी में ग्रोथ फैक्टर होने के बाद ही उस कंपनी को बाय करते हैं. और फिर वो आपसे पूछते हैं कि निवेशक बनना चाहते हो मार्केट में, आप कहते हैं हाँ, कौन सी कंपनी खरीदना चाहते हो, आपने कहा एक्स वाई जेड और फिर वो आपसे पूछते हैं कितना होमवर्क किया है इसके बारे में, कितना जानते हो इस कंपनी के बारे में. सो जरा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि आज तक आपने जिन कंपनियों को बाय किया है उनके बारे में आपने कितनी स्टडीज की हैं, क्या आप जानते थे कि इस कंपनी के प्लांट कहाँ कहाँ हैं, भविष्य में इस कंपनी की और एक्सपेंशन की क्या संभावनाएं हैं, ये कंपनी शुरू कैसे हुई, कंपनी के पास में कितनी सब्सिडरीज हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, या कोई भी ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकती है. आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई भी एक शेयर बाय करने से पहले इस इंफॉर्मेशन को या कितना होमवर्क किया है आपने इसे सीरियसली लिया. देन कम्स लर्न प्रूव एंड रिपीट. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पीछे वाले से कॉरोबरेट होता है. इससे पहले जो दिया गया सर का एक वेद वाक्य है कि मार्केट के अंदर हमेशा सीखते रहिए और जो भी आपने मार्केट के अंदर सीखा इस सीखी हुई चीज़ को आप मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए. और अगर ये चीज़ सही सफल होती है आपके लिए, सही साबित होती है और ये प्रूफ हो गया कि आपने जो कुछ भी सीखा, आपने जिस तरीके का इस्तेमाल करते हुए किसी भी कंपनी को बाय किया है, वो कंपनी अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब आपका तरीका सही है. और इसके बाद विजय केडिया जी का कहना है सिर्फ एक ही चीज़ बचती है आपके करने के लिए, वो क्या, कि अगर ये चीज़ सही है तो फिर आप इसे रिपीट करते रहिए. इसे आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और अच्छी हैबिट्स एक बार बन गई तो उसके बाद लंबे समय में मार्केट में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता. ये बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट के अंदर आपको अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए और जब आपको अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाएं, यानी कि लंबे समय में निवेश करने की, कंपनी को अच्छी तरह से एनालाइज करने की, होमवर्क करने की, कंपनी में ग्रोथ देखने की, मैनेजमेंट को स्टडी करने की, और अगर ये सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं
कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको मार्केट में सिर्फ एक काम और करना है, और वो है इसी एक काम को लगातार रिपीट करते रहना. लास्ट, व्हाट वैल्यूएशंस यू आर बाइंग एट, ये ज्यादातर मार्केट गुरुओं का कहना है, क्योंकि निवेश में प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक तरीका है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो. और इसलिए विजय केड़िया जी का कहना है, जैसा कि विजय केड़िया जी अभी कह रहे थे कि किस वैल्यूएशन पर आप कोई शेयर बाय कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए उनका कहना था कि अगर लंबे समय तक किसी भी शेयर में कोई मोमेंटम नहीं भी होता ना, शेयर अगर 6 महीने 1 साल तक नहीं भी चलता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि मैंने उसे सस्ता खरीद रखा है, इसलिए अब मुझे कोई समस्या नहीं है. और विजय केड़िया जी एक लौते ऐसे मार्केट गुरु हैं जिन्होंने रेशियो एनालिसिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था. मार्केट में बैलेंस शीट को जब भी आप स्टडी करते हैं तो उसके अंदर रेशियो एनालिसिस सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये विजय केड़िया जी का कहना है. और उनका कहना है कि जब भी कभी भी आप लंबे समय के लिए किसी शेयर की एनालिसिस कर रहे हैं तो रेशियो एनालिसिस को प्रायोरिटी ज़रूर दीजिए. इन रेशियो एनालिसिस में आप कुछ भी रेशियोज, क्विक रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियो, पी रेशियो, पी जी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे रेशियोज आपको कंपेयर करने चाहिए, कंपनी के अंदर के रेशियोज और एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनीज के रेशियोज. और जब आप ऐसा करते हैं तब आपको एक कंपनी, अच्छी कंपनी ग्रोथ के साथ फेयर वैल्यूएशंस पर मिलती है. और अगर ऐसी कंपनी, अच्छी कंपनी जिसमें ग्रोथ भी संभावनाएं भी हैं, अगर फेयर वैल्यूएशंस पर मिल रही है तब ऐसी कंपनी को आपको लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए. और जब एक व्यूअर ने पूछा कि सर ये तो ठीक है, हर कोई ये बताता है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ बाय करनी चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता कि मार्केट में किस चीज़ से दूर रहना चाहिए, तब ज़रा देखिए कि विजय केड़िया जी ने क्या कहा. बहुत ही शानदार क्लिप है. About what you need in the markets, courage, patience, knowledge, but so लेडी कहती है ओके, ये समझ में आ गया कि आपको मार्केट में क्या चाहिए. आपको मार्केट में चाहिए करेज, पेशेंस और नॉलेज चाहिए. इतनी चीज तो समझ में आ गई हमारी. What should you probably stay away from while invest? और इसका कहना है कि अच्छा ठीक है, ये चीजें तो हमको चाहिए, तो फिर ये बताइए कि किन चीजों से हमको दूर रहना चाहिए मार्केट में. फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये एक $1 million इन्फॉर्मेशन है, $1 million इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, और अब देखिए विजय केड़िया जी क्या कह रहे हैं. इन माय व्यू मे बी माय फ्रेंड विल नॉट एग्री विद मी. विजय केड़िया जी कहते हैं मे बी हमारा दोस्त जो है वो हमसे सहमत नहीं होगा, जो राइट साइड में इनके बैठे हुए हैं. आई थिंक फर्स्ट थिंग यू शुड कीप योरसेल्फ अवे इज दैट ट्रेडिंग. कहना है कि यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ट्रेडिंग. ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए आपको. फ्रेंड्स इस जगह पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बॉडी लैंग्वेज के संबंध में है. जैसे ही विजय केड़िया जी ने ये बात कही, जरा देखिए कि जो ये एंकर हैं, ये एंकर किस तरह से बिहेव करते हैं, और साथ ही साथ बिहेवियर के बाद ये एक जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, इसे ध्यान से सुनिए. सेल्फ अवे इज दैट ट्रेडिंग. सॉरी फॉरगिव मी फॉर द सिंपल रीजन दैट नो ही ऑलवेज हैज अ स्टॉप लॉस. सो कम ऑन सी, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आप ट्रेडिंग कीजिए बट स्टॉप लॉसेस के साथ. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पूरे दिन बिजनेस चैनल चलाना है और इसके लिए उन्हें ये बात कहनी जरूरी है. Yeah, then it's okay because trading has its own method. Okay, because success rate in trading is hardly 1%. Success rate in trading is hardly 1%. Vijay Kedia ji ne kaha hai. और जरा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए क्या आप लोगों को लगता है, आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या आपको लगता है कि मार्केट में मौजूद 100 लोगों में से वो एक आदमी जो कि सबसे सफल होगा ट्रेडिंग में आप वो हैं? क्या आपके अंदर वो नॉलेज है? क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं ट्रेडिंग करने की? क्या आपके अंदर वो डिसिप्लिन है ट्रेडिंग करने का? काइंडली इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए. ये इत्तेफाक नहीं है कि विजय केड़िया जी कह रहे हैं कि सिर्फ 1% आदमी ट्रेडिंग में सफल होता है. ये इत्तेफाक नहीं है कि रामदेव अग्रवाल ने कहा था कि ट्रेडिंग में 100 में से सिर्फ 2 लोग सफल होते हैं और निवेश में 100 के 100 लोग सफल हो सकते हैं. जरा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि क्या वाकई आप इतने काबिल हैं कि आप 100 लोगों की भीड़ में से वो एक आदमी हो सकते हैं कि आप में नॉलेज, डिसिप्लिन और वो एबिलिटी है कि आप 1% लोगों की भीड़ में शामिल हो सकते हैं. ईमानदारी से जवाब दीजिएगा. सक्सेस रेट इन ट्रेडिंग इज हार्डली 1%. सो इट कुड बी इंजूरियस टू योर वेल्थ. सो फर्स्ट थिंग इज टू स्टॉप ट्रेडिंग एंड सेकेंड थिंग इन माई व्यू टू सक्सीड इन दिस मार्केट इज टू इन्वेस्ट इन best management with best management, because investing with bad management is something like sleeping with the enemy. So Vijay Kedia ji ka kehna hai ki sabse badhiya cheez hai market ke andar ki hamesha acche management ke saath mein invest kijiye,
कंपनीज आप जो भी चुनिए उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुरे मैनेजमेंट के साथ निवेश करने का मतलब है कि आप किसी एनिमी के साथ सो रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चूज योर शेयर्स. सो ओके फ्रेंड्स, सो ये था वीडियो, और उम्मीद है कि जो ये पर्टिकुलर लर्निंग थी सर की, कि निवेश में आपको ध्यान रखना चाहिए कि निवेश करना है मार्केट के अंदर और ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये चीज़ खुलेआम कही है एक मार्केट गुरु ने. अब आप बताइए कि अगर आपको विजय केडिया बनना है, जो इनिशियल स्टेज में आपको ऑडी दिखाई दी थी उनके सामने, वो ऑडी अगर आपको खरीदनी है और आपको विजय केडिया जितना पोर्टफोलियो बनाना है, तो फिर ट्रेडिंग आप कैसे कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है. ओके, सो ये टाइम है फ्रेंड्स कि एक बार जो अभी तक हमने सीखा है उसे समराइज कर लेते हैं. मैनेजमेंट मस्ट बी स्ट्रांग, सबसे पहली लर्निंग थी. सो हमेशा ध्यान रखिए जब किसी भी शेयर को बाय कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है. कोई भी ऐसा आदमी मैनेजमेंट के अंदर तो नहीं है जिसके ऊपर इससे पहले FIR दर्ज हो चुकी है या किसी तरह का कोई घपला कर रखा है उन्होंने. सो मैनेजमेंट को जरूर देखिए. सेकंड चीज़ है नॉलेज, करेज एंड पेशेंस. ये आपके पास जरूर होना चाहिए. नॉलेज होना चाहिए ताकि आप शेयर्स को एनालाइज कर सकें, करेज होना चाहिए ताकि बाय करके उसे ऐसे समय में बाय करें जब कोई और बाय नहीं कर रहा, और पेशेंस लंबे समय तक रखना है आपको. क्लिप याद है ना, ग्रोथ, कंपनी कितनी तेजी से बढ़ने वाली है और कंपनी के अंदर ग्रोथ के कितने एवेन्यूज हैं, भविष्य में ये कितना और ग्रो करेगी, ये बहुत जरूरी है जानना. व्हाट होमवर्क हैव यू डन, किसी भी शेयर को बाय करने से पहले ये जरूर जानिए कि आपने कितना काम किया है उसके पीछे, कुछ सीखा विखा है या बस सीधे तेजस नेटवर्क की तरह उसका रेट देखा और सीधे बाय कर लिया, या कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिग डीप किया है कि कंपनी करती क्या है. देन लर्न, प्रूव एंड रिपीट. जो भी अच्छी हैबिट्स हैं उन्हें लर्न कीजिए, प्रूफ कीजिए अपने पोर्टफोलियो के साथ में इसे, और इसे लगातार रिपीट करते रहिए. थर्ड है कि वैल्यूएशन जरूर देखिए. अगर आपके पास में नॉलेज है, करेज है आपके पास में, तो आप वैल्यूएशंस, अच्छी वैल्यूएशंस वाली कंपनीज को ढूंढ लेंगे, और यही करना मार्केट में आपके लिए जरूरी है. ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन, और जो था विजय केडिया जी के बारे में. उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये इकलौते ऐसे मार्केट के मार्केट गुरु हैं जो न केवल एक बहुत ही अच्छे निवेशक हैं बल्कि उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं. जो भी कहते हैं बिंदास, खुले शब्दों में कहते हैं, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है. जैसा कि आपने देखा कि बिजनेस चैनल पर बैठे हुए भी उन्होंने खुलेआम ये कह दिया, ये जानते हुए भी कि ये बिजनेस चैनल सुबह से शाम तक ट्रेडिंग ही करवाते रहते हैं, खुलेआम ये कह दिया कि ट्रेडिंग नहीं करनी है. सेकंड चीज़, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं. फ्रेंड्स, एक निवेशक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी मार्केट के अंदर अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें उन लोगों का साथ और वो हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जो मार्केट के सफल लोगों ने डेवलप की है. कहावत है कि इन द रोम डू एज रोमन्स डू. अगर आपको वाकई एक अच्छा बाइकर बनना है तो आपको बाइक से हर दिन घूमना पड़ेगा, आपको उसकी निटी ग्रिटीज जाननी पड़ेंगी, उसका इनसाइड आउट समझना पड़ेगा. अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो आपको वो काम करने होंगे जो बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले लोगों ने किए हैं. और किन्होंने किए हैं, ये सारे मार्केट गुरुज वही हैं. ये फिफ्थ सीरीज है हमारी, ये फिफ्थ वीडियो है हमारा. इन सारे लोगों की चीज़ें कॉमन है. आपने देखा, हर किसी ने कहा है कि अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए. हर कोई ये कहता है कि लंबे समय में अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए. हर कोई ये कहता है कि ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहिए. अब इसके बावजूद भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, जो कि हमेशा होती है. उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज के इस सेशन से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा. आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए ऐसी गलतियां जो इस वीडियो को देखने से पहले आप अभी तक करते आए थे और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप आगे नहीं करेंगे. क्यों? किसी भी इंसान के अंदर सुधार की संभावना तभी है जब वो अपनी गलतियों को न केवल जानता है बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करता है. एक दूसरे की गलतियों से फ्रेंड्स हम सभी सीख सकते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि अपनी अपनी गलतियां जो आज तक आप मार्केट में करते आए थे और जो गलतियां आगे से आप नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, उन्हें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में. साथ ही हमें यह भी लिखकर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है. मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, जो कि होगा मार्केट गुरु का ही अगला सेशन. तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा. अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए. शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की. मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं. सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स. थैंक यू वेरी मच.